चैनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम डॉक्टर शालिनी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप को। तो सिटीजनशिप के बारे में हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट टू में और आर्टिकल है 5 to 11 इनमें जिक्र किया गया है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में नागरिकता किस तरह से तय की जाती है। तो पहला तो यहाँ ये पॉइंट है कि भारत में जो नागरिकता है वो 26 जनवरी 1950 यानी कि ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट से डिसाइड की जाती है कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा। दूसरा यहाँ पर माध्यम ये है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से। तो यहाँ जो ये एक्ट है नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें टाइम टू टाइम काफी सारे चेंजेस हुए हैं और अभी रिसेंटली 2019 में भी जो चेंज हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था और काफी बवाल हुआ था। तो इन सारी चीजों को हम लोग आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आर्टिकल्स की बात करते हैं और चलते हैं अपने 5th आर्टिकल पर। तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो जब संविधान हमारा लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तो भारत में लोगों को नागरिकता किस बेस पर दी गई थी उस दिन से, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो या फिर जिसके माता पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व वो भारत में रह रहा हो, यानी संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को और वह 1945 से वो पर्सन जो है वो भारत में रह रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ केसेस आए। 1955 में एक केस आता है डीपी जोशी बनाम मध्य भारत राज्य। इस केस में ये कहा गया कि पूरे देश में एक ही डोमिसाइल होगी, ठीक है। दूसरा एक केस आया था 2010 में नगीना देवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये कहा गया कि अधिवास के आधार पर नागरिकता के लिए आवश्यक है कि संविधान के लागू होने के समय जो व्यक्ति है वो भारत में निवास कर रहा हो। ये दो केस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 6 पर। आर्टिकल 6 में ये कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए हैं उनके क्या नागरिकता के अधिकार होंगे। तो यहाँ ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि आर्टिकल 5 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति ने जो पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे किस तरह से भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो यहाँ क्लॉज ए कहता है कि अगर वो व्यक्ति या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इनमें से कोई भारत में जन्मा हो। दूसरा क्लॉज बी ये कहता है, यहाँ क्लॉज बी में दो बातें हैं, क्लॉज बी में दो बातें इस तरह से हैं कि यहाँ ये डेट जो है 19 जुलाई 1948, ओके, और यहाँ भी 19 जुलाई 1948। तो यहां बात होती है बिफोर और ये है आफ्टर, ठीक है। दो बातें हैं क्लॉज बी में। पहला तो यहां ये है कि ये जो कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत में आया है और भारत में वो सामान्यतः निवास कर रहा है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उसको और कम से कम 6 महीने तक भारत में रहना होगा, तब जाकर वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो यहाँ ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस डेट को ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दिन परमिट सिस्टम लागू किया गया था दोनों देशों के बीच में कि लोग आ जा सके। तो यहाँ इस डेट को परमिट सिस्टम लागू किया गया था, इसलिए डेट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके क्या अधिकार हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया है, 1 मार्च 1947 के बाद भारत गया है, ठीक है, अगर वो वही बस जाता है तब तो वो पाकिस्तान का ही नागरिक होगा, लेकिन
अगर वो भारत में वापस लौट आता है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा और पंजीकरण के बाद जो प्रोसेस है कि 6 महीने तक उसको भारत में निवास करना होगा, तब वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक यही डेट है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं, यहाँ एनआरआई की बात हम कर सकते हैं, जो एनआरआई हैं उनसे रिलेटेड है ये एक्ट। तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, पाकिस्तान को छोड़कर, तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। तो पहली बात तो ये कि या तो उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके पेरेंट्स का, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का, तो जन्म है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या 1947 से पहले। इसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ ये है कि जिस देश में वो रह रहा है वहां पर भारतीय नागरिक के रूप में वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, यानी कि जो वहां इंडियन एम्बेसी है उस देश में, वहां वो भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड हो। ये दो कंडीशंस हैं आर्टिकल 8 में, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं फिर वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 ही कहता है कि जो व्यक्ति वॉलंटरली किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो आर्टिकल 5, 6 और 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। अब आर्टिकल 5 में जो बेसिक जो बातें बताई गई थी कि ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, जन्म से होंगे या तो उनके पेरेंट्स हो, पेरेंट्स का जन्म यहाँ हुआ हो, या फिर वो 5 साल पहले से, यानी कि 1945 से वो भारत में रह रहे हो, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ 5 की बात होगी, आर्टिकल 6 की बात होगी और आर्टिकल 8, इनके आधार पर वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर वो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो आर्टिकल 9 बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 कहता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो यहाँ ये जो 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ये किसी भी पर्सन को सिटीजनशिप प्रोवाइड कराते हैं जो भारत के नागरिक हैं, तो वो ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, तो भारत का नागरिक बना रहेगा। अगर संसद चाहे तो इनमें चेंजेस कर सकती है, संसद के पास ये पावर है, तो इनके तहत वो व्यक्ति भारत के नागरिक बने रहेंगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी अगर संसद चाहे तो नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं उनसे संबंधित कानून बना सकती है। तो यहाँ संसद के जो राइट्स हैं सिटीजनशिप को लेकर, तो संसद के अधिकार हैं उनको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो संसद को ये अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन, ठीक है, यानी एक्विजिशन एंड समाप्ति यानी टर्मिनेशन से, तो यहाँ दो बातें कही गई हैं। पहला तो ये कि नागरिकता का अर्जन और समाप्ति यानी एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, इसकी बात की गई है। दूसरी बात यहाँ ये की गई है नागरिकता से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेटेड विधि बना सकती है। यानी यहाँ दो बातें यहाँ करती हैं कि पहला आप ग्रहण कैसे कर रहे हैं नागरिकता को, दूसरा आपकी नागरिकता कैसे समाप्त की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर बात की गई है नागरिकता के बारे में, ये जो इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो इस पार्ट में आते हैं कि सिटीजनशिप जो एक्ट हुआ था 1955, ठीक है, और इसके बाद जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, यहाँ 9 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं 2019 तक, वो सारे अमेंडमेंट्स इस सेक्शन में आते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट सेक्शन है इस आर्टिकल का, उसमें कोई भी जो व्यक्ति है वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है या फिर उसका टर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल 11 की बात होगी जिसमें दो बातें कही गई हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। सो बाय बाय।